ना खरीदना है, ना बेचना है और ना बनाना है। दोस्तों बिजनेस ऐसा रहने वाला है जिसका भविष्य रहने वाला है। इस तरह की यदि आप दोस्तों 10 बैटरियां लगाते हैं तो आप महीने के 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और दोस्तों बिजनेस इतना अच्छा है कि यदि आपके पास एक कस्टमर आता है तो आपका रिपीटेड कस्टमर होगा, मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ने लगेगी, आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। तो जैसे ही आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा आपको और बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे ही आपकी बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी, सपोज करो आपके पास 50 बैटरियाँ हो जाती हैं, तो उस 50 बैटरी से दोस्तों आप 2 से 2.5 लाख रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों जिसके साथ आप बिजनेस करने जा रहे हैं एक स्मार्ट बिजनेस होने वाला है, एक स्मार्ट तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और बैटरी स्मार्ट के साथ जुड़ के आप लाखों रुपये कमा सकते हैं। तो दोस्तों यह जो बैटरियाँ हैं ये कोई आम बैटरी नहीं है, ना कभी ये खो सकती है और ना कभी ये चोरी हो सकती है। पहली फर्स्ट ऐसी कंपनी होगी, एक बहुत बड़ी कंपनी होने जा रही है जिसका जो नाम है दोस्तों बैटरी स्मार्ट। इस तरह का आप भी आउटलेट खोल सकते हैं। दोस्तों बहुत ही डिफरेंट बिजनेस होने वाला है और बहुत ही मतलब धमाकेदार, जिसको मैं बोलता हूँ इस तरह का कॉन्सेप्ट होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरह का मतलब फुटफॉल हमेशा यहाँ पे बना ही रहता है और बहुत सारे यहाँ पे कस्टमर लोग आते रहते हैं और इस तरह का कंप्लीट सेटअप आप भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों क्या हो यदि आप किसी ई रिक्शा में जा रहे हों और उसकी जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाए, कैसा लगेगा आपको? तो दोस्तों जहाँ पर प्रॉब्लम होती है वहीं पर सोल्यूशन होता है और उसी का नाम बिजनेस कहलाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरह से हमेशा फुटफॉल रहता है और आप भी अपने एरिया में अपना एक स्टेशन लगा के वो भी जो फुटफॉल है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए किसी एक से हम जानकारी ले लेते हैं कि जो इनके कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं बैटरी स्मार्ट के साथ जुड़ के। बैटरी स्मार्ट से कितना टाइम हो गया आपको जुड़े हुए? मुझे 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। हाँ अच्छा, तो आपका कुछ इनकम में फ़र्क पड़ा है? पहले जैसे आप काम करते थे तब आपकी क्या इनकम थी और अब क्या इनकम है? पहले 700-800 का काम होता था, अब 1200-1300 का हो जाता है काम आराम से। अच्छा, पहले 700-800 रुपये का होता था, अब 1200 रुपये के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पर कितना टाइम लगता है, मतलब 1-2 घंटे लग जाते हैं या फिर हाथों हाथ काम हो जाता है? 5 मिनट में मिल जाती है बैटरी, 5-7 मिनट। अच्छा, सिर्फ बैटरी बदलनी होती है, किसी तरह की और दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? अभी तो खुश हैं आप मतलब? हाँ। आप सारे लोग बैटरी ही स्वाइप करवाने आए हैं? हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, थैंक यू। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और आपकी कंपनी का नेम बताइए प्लीज़। मेरा नाम अनुज है और मैं बैटरी स्मार्ट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो सर आपकी कंपनी ने क्या सोच के इस कॉन्सेप्ट को रेडी किया? आपको पता होगा कि भारत सरकार ईवी के एडॉप्शन के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है, बहुत सारी नई नई पॉलिसीज लेके आ रही है, बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी कुछ चैलेंजेस हैं जो ईवी के वो ड्राइव करने वाले ईवी व्हीकल को ड्राइव करने वालों के सामने है, जिसकी वजह से वो आज भी अडॉप्ट करने से हिचकिचा रहे हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है ईवी के केस में कि पहला जो होता है कि बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई तो उसके बाद क्या होगा, दूसरा कितने किलोमीटर तक चलेगी, तीसरा ये होगा कि चार्जिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, और चौथा हो जाता है कि आपका जो बैटरी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट होता है वो बहुत हाई होता है। जिसके अराउंड ये जो 4 प्रॉब्लम है इसी के अराउंड हम सोल्यूशन लेके आए हैं, जिसके अराउंड हमारी पूरी कंपनी काम करती है। हाँ, जैसे हम क्योंकि जो ई रिक्शा होता है वो कमर्शियली यूज़ होता है तो कभी पीक आवर्स होता है, जैसे कि हमारी पहले से डिस्कशन हो गया था कि जैसे दिवाली का टाइम हो गया या फिर रक्षाबंधन का टाइम हो गया, उस टाइम पर फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा रहता है, पब्लिक का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। अगर उस टाइम पर हमारी बैटरी अगर ख़त्म हो जाती है तो उसमें बिजनेस हमारा रुक जाता है। तो उसका सोल्यूशन के लिए आपके पास जो ये नेटवर्क अभी तक, मतलब कितने नेटवर्क होगा आपके पास, कितने आपके साथ पार्टनर लोग जुड़ गए होंगे? तो अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूं तो हमारे पास दिल्ली NCR में 250 से ज़्यादा स्टेशन हैं, जिन स्टेशन पे जाकर के मेरा ई रिक्शा का जो ड्राइवर है किसी भी स्टेशन पे जाकर के अपनी डिस्चार्ज बैटरी दे करके चार्ज बैटरी ले सकता है। तो मतलब ये क्या होता है, मतलब उसके लिए कुछ वेट करना पड़ता है चार्जिंग के लिए, फिर हाथों हाथ मिल जाती है वो? नहीं, ये चार्जिंग के लिए हमें कोई भी वेट नहीं करना, बेसिकली जो ड्राइवर होता है उसको चार्जिंग नहीं करनी होती, उसको सिर्फ अपनी बैटरी चेंज करनी होती है चार्ज बैटरी के साथ। अच्छा, जिसमें चेंज करनी होती है? हाँ, जिसमें कि हार्डली 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। अच्छा, तो जो उनकी जो पहले वाली बैटरी होती है उसका क्या करना पड़ता है? तो पहली वाली जो बैटरी है जो डिस्चार्ज लेके आए हैं वो हमारे स्टेशन पे आकर के चार्जर के साथ चार्जिंग पे लग जाती है, जैसे ही वो चार्ज होती है वो दूसरा कोई ड्राइवर जब अपनी डिस्चार्ज लेके आता है उनको हैंड ओवर कर दी जाती है। बैटरी स्मार्ट की बैटरीज में और ड्राइवर के पास जो एसिड वाली बैटरी होती है उनमें क्या फ़र्क होता है? तो जो अगर मेरा कोई ड्राइवर है जो आज तक मेरे साथ नहीं जुड़ा, मेरे नेटवर्क पर नहीं आया है, उस केस में अगर वो बैटरी जो ज़्यादातर केसेस में एसिड बेस्ड बैटरी वो लोग यूज़ करते हैं, एसिड बेस्ड बैटरी की प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं, जैसे कि एक प्रॉब्लम हो गई कि उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। दूसरा अगर वेट की बात करूँ तो उनका 100 से 120 किलो तक का वजन होता है। दूसरा उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो एसिड बेस हैं, उसकी वजह से जो ई रिक्शा की जो
नीचे की चादर होती है जिसको हम साधारण भाषा में चादर बोलते हैं, एसिड के वजह से कई बार वो गलने लगती है, जिसकी वजह से ई रिक्शा ड्राइवर का मेंटेनेंस का खर्चा मंथली बेसिस पे इंक्रीज होने लगता है मंथ ऑन मंथ। तीसरा, वजन ज़्यादा होने की वजह से ई रिक्शा की परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए चार बंदों को लेकर जा सकती है, अब क्योंकि दो बैटरी का ही 120 किलो के करीब वजन है तो वो तीन बंदों को लेकर के जाएगी। दूसरा होता है माइलेज का, क्योंकि वेट इंक्रीज़ हो चुका है तो ई रिक्शा का माइलेज अगर 50 से 60 किलोमीटर होना था तो 30 से 35 किलोमीटर तक ही रह जाता है। इसके अलावा जो चार्जिंग का जो टाइम है एसिड बेस्ड बैटरी का, वो करीबन 5.5 से 6 घंटे होता है, जिसमें कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का भी कंजप्शन ज़्यादा है और आपका वेटिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन चीज़ों का सोल्यूशन हम ये लेके आए कि सबसे पहले हम लिथियम आयन बेस्ड बैटरी यूज़ करते हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, एक तो वो हल्की होती हैं जिसकी वजह से माइलेज और परफॉर्मेंस ई रिक्शा की दोनों अच्छी होती है। इसके साथ साथ जो एक चार्जिंग का जो इशू था, तो हमारी जो चार्जिंग बैटरी को चार्ज करने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, और वो भी मेरे ड्राइवर को चार्ज नहीं करना, वो हमारे किसी भी स्टेशन पर जा कर के डिस्चार्ज बैटरी देगा, वहाँ से चार्ज बैटरी उठाएगा, जिसकी प्रोसेस में मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है। तो आपके साथ कौन कौन लोग जुड़ सकते हैं काम करने के लिए, उसके लिए वर्क इस एरिया वर्किंग एरिया कितना चाहिए और किस किस जगह पर इस काम को किया जा सकता है? जो भी कोई भी इंसान अपना एक पैसिव इनकम चाहता है या एक एक्टिव इनकम चाहता है, नई इनकम चाहता है जिससे कि वो अच्छा रिटर्न पा सके, वो हमारे साथ जुड़ सकता है। वो कोई भी हो सकता है, वो एक ई रिक्शा चलाने वाला खुद भी हो सकता है, ई रिक्शा बेचने वाला भी हो सकता है, पार्किंग वाला ओनर भी हो सकता है, एक नॉर्मल मैकेनिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या एक वर्किंग प्रोफेशनल जिसके पास कुछ कैपिटल है, जिसको वो इन्वेस्ट करके कुछ नया बिजनेस चालू करना चाहता है, जिसमें उसको इवन एक्टिवली इन्वॉल्व भी नहीं होना, वो तो भी जुड़ सकता है। तो ये जो हमारा सिस्टम है, जैसा कि आपने बताया कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लेस है, तो इसमें क्या मतलब ये आप पूरा जो आपके साथ पार्टनर लोग जुड़ेंगे तो पूरा उनके साथ मतलब ये चार्जिंग स्टेशन वगैरह या मतलब अटैचमेंट क्या क्या साथ में मिलेगी, पूरा कंप्लीट सेटअप देते हैं या फिर कैसे देते हैं या फिर इसमें रिक्वायरमेंट होता है? तो हमारे हम दो तरीके से पार्टनर को अपने साथ जोड़ते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पार्टनर आया, वो कहता है कि मुझे आपके साथ जुड़ना है, तो उसमें कई बार कुछ हमारे पार्टनर्स के पास ऑलरेडी उनके पास शॉप्स होती हैं, कुछ पार्टनर के पास जैसे कि एक ई रिक्शा पार्किंग को चलाने वाला पार्टनर है, उसके पास पार्किंग है ऑलरेडी, स्पेस है, वो कहता है कि मुझे आपका सेटअप लगवाना है अपने स्पेस, तो हम वहाँ पर जा कर के अपना सेटअप लगा देते हैं और इसके बाद वो अपना जो स्टेशन है वो अपने आप से चला सकता है। दूसरा केस में ऐसा होता है कि कुछ वर्किंग प्रोफेशनल हो गए, उनके पास कैपिटल है, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे रेडिली अवेलेबल स्टेशन दे दीजिए। तो उस केस में क्या होता है कि हम खुद से रियल इस्टेट ढूंढते हैं, जगह ढूंढते हैं कहाँ पर स्टेशन खुलना है, खुद से उसके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का लोड कन्फर्म करते हैं, इसके बाद पूरा सेटअप हम लगा करके ऑपरेशनल करके रिवेन्यू जनरेशन के साथ साथ उसको हैंडओवर करते हैं। अगर कोई पार्टनर बैटरी स्मार्ट से बना बनाया चालू स्टेशन लेना चाहता है तो उसे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अगर कोई पार्टनर 40 से 50 बैटरीज का रेडिली अवेलेबल स्टेशन विद गुड ऑपरेटेड रिवेन्यू को टेक ओवर करना चाहता है तो उस केस में पार्टनर को 8 से 12 लाख तक इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिसमें हम पार्टनर को सब कुछ सेटअप करके देते हैं। तो इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद पार्टनर मंथली बेसिस पर कितना कमा सकता है और उसका मंथली टोटल प्रॉफिट कितना होगा? इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद पार्टनर को मंथली बेसिस पर 2 से 2.5 लाख तक का रिवेन्यू मिलेगा, जिसमें 1 से 1.5 लाख प्योर प्रॉफिट होगा। मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी बैटरी के ऊपर बारकोड वगैरह भी लगा हुआ है, आपके पास एप्लीकेशन भी है और भी बहुत कुछ है, तो वो किस तरीके से काम किया जाता है उसमें? तो कोई भी अगर जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि हमारा ऑपरेशंस किस तरीके से चलते हैं, तो सबसे पहले हमारा एक स्टेशन होता है जहाँ पे बैटरीज चार्ज होकर के अवेलेबल होती है। मॉर्निंग में जनरली जैसे हमारे ई रिक्शा के जो ड्राइवर होते हैं वो सुबह निकलते हैं अपने कमाई करने के लिए, तो वो हमारे स्टेशन पे आते हैं, अपनी जो पिछले दिन की डिस्चार्ज बैटरी है वो दे करके चार्ज बैटरी लेकर के जाते हैं। चार्ज बैटरी देने का तरीका ये होता है और लेने का डिस्चार्ज बैटरी लेने का तरीका ये होता है कि जब भी वो आता है तो उसकी जो बैटरी होती है वो बैटरी भी हमारी तरफ से ही दी होती है उसको। अब उसमें क्या होता है, हर बैटरी के ऊपर एक यूनिक QR कोड होता है जिसको स्कैन करके मेरा जो स्टेशन चलाने वाला ऑपरेटर है उसको स्कैन करता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये इस ई रिक्शा ड्राइवर ने हमें ये वाली बैटरी हैंडओवर की है, और जब वो जो बैटरी वो उसको दे रहा है उसका भी एक यूनिक QR कोड होता है, उसको स्कैन करके वो रखता है, जिससे कि हमारा एक डिजिटल रजिस्टर मेंटेन होता है कंपनी के डेटाबेस में, कौन सी बैटरी कहाँ से आई, कौन सी बैटरी कहाँ पर गई, ये हमारे पास डिजिटली रिकॉर्डेड होता है। तो आपके साथ जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है? तो हमारे से जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट है www.batterysmart.in, उस पर जा करके आप एक हमारा एक फॉर्म है जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें जा करके अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस कौन सा है जहां पे आप स्टेशन खोलना चाहते हैं,
और इसके साथ साथ कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना आप करना चाहते हैं, ये आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि कोई भी जानकारी मिस हो जाती है तो सामने दिए नंबर पर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और इनकी वेबसाइट का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के और इनोवेटिव बिजनेस क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। हर बार की तरह जय हिंद और जय भारत।